morning everyone, namaste, hello, kadam to everyone, welcome back to my channel. Those who are new to my channel, subscribe and turn your post notification on. तो हाँ चलो आज हम लोग जाता है एरिक सिल्वर्म के बारे में जानने के लिए. तो हाँ प्रिपरेशन ऑफ एरिक सीट. तो हाँ चलो हम लोग अभी जैसे अभी मॉर्निंग है तो हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं एरिक सीट के बारे में जानने के लिए. मैं भी जानना चाहती हूँ तो आप लोग भी जानिए मेरे साथ. तो चलो जी मैंने बताया था कि हम लोग एरिक सीट के बारे में जानने के लिए, तो मुझे तो सब कुछ पता नहीं इसलिए मैं जा रही हूँ सीखने के लिए और जानने के लिए सिल्वर्म के बारे में. तो जो कुछ मुझे नहीं आता है, मतलब नहीं पता है, तो वो मैं जीजू को पूछ लूँगी तो आप लोग को बताने के लिए बोल दूँगी. तो चलो गाड़ी भी जा रही है और मेरे सिस्टर भी जा रही है. तो मेरी न्यूज देखो रेडी हो चुका है. चलो हाय बोल दो माँ. हाय हाय. ओ तो ये हो गया रेडी. तो जो भी मुझे नहीं पता है तो मैं फार्म का मैनेजर को पूछ लूँगी और कुछ मेरे जीजू को पूछ लूँगी. तो चलो गाइस लेट्स गो. हे गाइस, तो यहाँ पे कोकोन हार्वेस्टिंग हो रहा है. ये देखो यहाँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे हार्वेस्टिंग होता है. तो यहाँ से निकाल के मतलब यहाँ पे ये रहा बिल्कुल. इसके बाद द प्रोसेस आप लोग को दिखा दूंगी. तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये हम लोग का एरी कोकून्स है. ये वाइट वेराइटी एरी कोकून्स है, एरी सिल्वर्म से बनता है ये कोकून्स. तो फिलहाल ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग का बेसिकली जो एरी एग्स होता है उसका ही प्रिपरेशन यहाँ पे होता है हम लोग यहाँ पे. तो ये कोकून से ही आपका जो फीमेल मॉथ होता है और मेल मॉथ, तो यहाँ से आपका इमर्ज होता है, यहाँ से निकलता है. ठीक है. तो जैसे कि आप लोग को अभी हम दिखाएंगे कि यहाँ पे कि दिस इज आपका मेल है, मेल मॉथ से ये, और ये आपका फीमेल होगा. ठीक है. मतलब ये थोड़ा दिख में थोड़ा सा ये आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेल मॉथ्स उसका साइज थोड़ा छोटा होता है और फीमेल मॉथ्स थोड़ा बड़ा होता है मेल मॉथ से. तो जब उन लोग का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो उन लोग हम क्या करते हैं, उसका हम लोग पेयरिंग कर देता है उन लोग को मेटिंग के लिए. तो जब उन लोग का मेटिंग हम लोग उन लोग को तकरीबन 8 से 10 घंटा हम लोग को रखेंगे उनको, तो उसके बाद उन लोग का मेटिंग होगा. तो उसके बाद हम लोग उन लोग को डिपेयर करके फिर फीमेल मॉथ्स वहाँ से फिर एक उसको फिर बनाएगा. तो उसका प्रोसेस मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा मैं आप लोग को. तो चलिए तो हाँ आप लोग इतना तो आप लोगों को बता दिया. तो अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप जानने के लिए. तो चलो गाइस बोली ओ लगाइनो किको एसी आपको डाक पा बोंधु पो ओ के डाक आलू है आपको पा बोंधु पो पेयरिंग फान है. ओ ओ ओ फर्स्ट ला पी तो भाग बा डाक कोक एते आलू बिदुन कोक कोक है. ओ ओ के पेयरिंग पो. ओ ओके गाइस, तो यहाँ पे हो रहा है कि फीमेल जो है ना फीमेल मोड वो अभी यहाँ पे लगाएंगे. तो इसके बाद पेयरिंग के लिए मतलब मेटिंग के लिए वो मेल को यहाँ पे लगाएंगे. तो ये पे लगा चुका है मेल्स और फीमेल्स. यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है वो मेल्स और फीमेल्स को वो पेयरिंग मेटिंग के लिए. यहाँ पे आपका मेल एंड फीमेल मॉथ जब हम लोग पेयर करते हैं उन लोग को तकरीबन हम लोग 8 से 10 घंटे रखेंगे उन लोग को. ठीक है. तो उसके बाद आपका फीमेल मॉथ हम लोग क्या बोलते हैं मेल मॉथ को हम लोग इस पर हम लोग उसको रिपेयर कर देंगे. फिर हम लोग यहाँ पे इसको हम खुरका बोलते हैं, इस खुरका में हम लोग सिर्फ फीमेल मॉथ हम लोग रखेंगे इस पर. ठीक है. तो फिर हम लोग का जो फीमेल मॉथ है वो अंडा देगा यहाँ पे. ये खुरका में आपका अंडा देगा, आप देख सकते हैं ये अंडा है उसका. हाँ
ये सब आपका जो एग्स है। और आप लोग के जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हर एक फीमेल मॉथ्स आपका 250 से 300 एग्स तक वो लोग देता है। एक ही लेंग्स में आपका 250 से 300 एग्स वो लोग देता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस, तो यही प्रोसेस है एग्स बनाने का सुब्रम से। फिर ये एग्स हम फिर लेके जाएंगे, फिर हम लोग फार्मर्स को देंगे। और ये जिस दिन से वो अपना जो अंडा देगा उसी दिन से हम लोग देखेंगे। तो अगर समर सीजन होने से तकरीबन आपको 7 से 9 दिन लगते हैं उसका एग हैच होने के लिए। फिर अगर विंटर सीजन होने से बेस्ड ऑन टेम्परेचर उसका 10 से तकरीबन 12 दिन लगते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन। ये सब फीमेल मॉथ है, इस पर बहुत ज़्यादा दिया है। आप देख सकते हैं कि ये फीमेल थोड़ा बड़ा होता है उन लोग का, देखो साइज थोड़ा बल्की सा। हाँ थोड़ा बल्की साइज होता है। गाइस इसके बाद हार्वेस्टिंग होने वाला है अभी। चलो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ का वो फार्म का मैनेजर आप लोगों को बताएंगे द रेस्ट ऑफ इट। तो चलो ओके। तो हम लोग अभी जैसे कि देख सकते हैं हम लोग सीड हार्वेस्टिंग कर रहे हैं हमारे खोरिका या बेम्बू स्टिक से। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग फीमेल और मेल मॉथ्स को पेयर करने के बाद हम लोग विद इन 8 to 10 आवर्स उनको डिपेयर कर देते हैं। डिपेयर हम लोग जितना जल्दी कर सकेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जितना जल्दी हम लोग डिपेयरिंग करेंगे फीमेल मॉथ्स को मेल मॉथ्स से उतना ज़्यादा हमें एक क्वांटिटी मिलेगा। तो मतलब हम लोग थोड़ा देरी करने से अगर उनको डिपेयर करने में फीमेल मॉथ्स टेंड्स टू डिक्रीज द टेंडेंसी टू ले मोर एग्स इसी वजह से। और अभी हम लोग जैसे कि देख रहे हैं सीड हार्वेस्टिंग हो रहा है हमारे यहाँ ESD दिलाजी हमारे स्टाफ लोगों से। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग जैसे जानते हैं उनको सेपरेशन करने के बाद मेल और फीमेल मॉथ्स जैसे कि डिपेयरिंग टर्म है, डिपेयरिंग करने के बाद हम लोग को अराउंड लाइक 3 डेज मैक्स टू मैक्स 3 डेज 2 से 3 दिन तक हम लोग फीमेल मॉथ्स को टाइम देते हैं एग्स ले करने के लिए। उनका एग्स ले होने के बाद जैसे कि मालूम है ये हम लोग उसका 3 दिन बाद हार्वेस्ट कर रहे हैं इसे। गाइस तो आप लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और मुझे भी मिल रहा है, तो मुझे इतना इन्फॉर्मेशन मिल के यू नो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को भी मेरे वीडियो के वजह से आप लोगों को कुछ भी यू नो इन्फॉर्मेशन मिला है तो कमेंट डाउन बिलो गाइस। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए अभी जा रहे हैं मतलब वो सिल्वर फार्म में। तो गाइस चलो लेट्स गो। गाइस तो हम लोग यहाँ पे आया है दूसरा स्टेप दिखाने के लिए, आप लोगों को दिखा दूंगी। तो हाँ चलो चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, अभी आप लोगों को दिखा दूंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ 2 वेराइटीज का कुकुन, जैसे कि वाइट वाला और ये वाला रेड, ठीक है। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो अभी हम लोग आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो ये रहा नेक्स्ट स्टेप, तो ये है हम लोग का प्रोसेस होता है, ये आपका बंच रेयरिंग प्रोसेस। हाँ ये है जो सिस्टम ही है बंच की तरह है। आप जो उसका फूड प्लांट से जो लीव्स होता है उसको हम लोग एक बंच की तरह उसको हम लोग बांध के इसको हम लोग ये इसके रख देंगे उस पर, तो उस पर हम लोग जितना किराया है उस पर हम लोग उस पर रख देंगे। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि जो एग होता है एरिस कोबरम का जो अंडा होता है वहाँ से जो कीड़ा जो लार्वा होता है जो इमर्ज होते हैं, तो हम लोग पहले उसको हम जो टेंडर लिप्स होता है वो हम लोग देते हैं। तो जैसे जैसे आप लोग का जो कीड़ा जो लार्वा जो बड़े होते जाएंगे तो हम लोग उसका लिप भी उसका हिसाब से हम लोग देते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द 4th स्टेज, ये आपका 4th स्टेज में है। तो इसके हिसाब से हम लोग का जो पट्टा है वो भी हम लोग थोड़ा
बड़ा साइज का भी दे रहा है अभी। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा उसका जो फूड प्लांट्स है ये है, दिस इज केसेरु, हम लोग का लोकल लैंग्वेज में इसको किंचर बोलता है, कार्बी में किंचर। और एक तो है ये दिखाता हूँ आपको, ये है कैस्टर लीफ, एरा पार्ट जो बोलते हैं कैस्टर लीफ। तो ये भी सबसे उसका प्राइमरी फूड प्लांट होता है ये आपका कैस्टर लीफ, और सेकेंडरी होता है आपका ये किंचर। लेकिन अगर आपको कमर्शियल आपको अगर प्रॉफिटेबल होना है तो आपको फिर ये केसेरु आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो कैस्टर प्लांट है ये आपका सिर्फ एक साल के लिए या तकरीबन आपको दो साल के लिए आपके साथ होता है, लेकिन ये जो केसेरु लीफ ये आपके साथ अगले 30 साल तक आपके साथ दे जाएगा। तो मीन्स ये एरिसोग्राम रेयरिंग प्रोसेस अगर हम लोग देखा जाए तो अगर उसको हम लोग अगर पत्थर दे सकते तो हम लोग फॉर द होल ईयर साल भर हम लोग उसको रेयरिंग कर सकते हैं। अगर कोई इसको अगर प्रोफेशनली लेना चाहेंगे तो उस पर हम लोग बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और ये बिजनेस जो है ये आपका लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, और इसका जो रिटर्न है इसका बहुत हाई होता है, पर उसके लिए पहले आपको सिस्टमेटिकली करना होगा, ठीक है। तो ये आपकी आपकी आपका फोर्थ स्टेज में ही है, फिर ये आपका फोर्थ स्टेज से जब होगा ये आपका ये कुकुन बनेगा। ये कुकुन ये रेड वैरायटी का है, ऐसा वो अपना घर बना लेगा, वो अपना लाइफ साइकिल ख़त्म करके ये ऐसा घर बना लेगा। फिर तकरीबन 2-3 दिन के बाद फिर वहाँ से ये आपका मॉथ इमर्ज होगा, ठीक है आपका, ठीक है। ये छोटा से अंडा से ये फिर जो इमर्ज होगा इससे फिर उनका फर्स्ट स्टेज आपका 3 दिन का होगा, 2 या 3 दिन का होता है फर्स्ट स्टेज। फिर आपका सेकेंड स्टेज भी ऐसे होता है, 2-3 डेज ऐसा होता है। तो ऐसा होते 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 तो आपका पूरा 20-25 दिन का अंदर उन लोग का पूरा साइकिल ख़त्म हो जाता है उन लोग का, उनका लाइफ साइकिल जो लार्वल स्टेज है उन लोग का 20-25 दिन तक उन लोग का ख़त्म हो जाता है। फिर जब उन लोग का ये फोर्थ स्टेज ख़त्म होता है तो उन लोग ये फिर ये बनाएगा कुकुन, उनका घर, ठीक है, इससे घर बनाएगा। फिर और 4-5 दिन के बाद फिर यहाँ से फिर जो मॉड इमर्ज होगा, ठीक है, फिर वो मॉड फिर हम लोग उसको पकड़ के फिर उसको लेंगे। फिर ये कुकुन से हम लोग उसका जो थ्रेड निकालेंगे जो नेचुरल सिल्क होता है, एरी सिल्क को हम लोग ये अहिंसा सिल्क भी बोलते हैं, अहिंसा, हाँ, क्योंकि इसका जो सिल्क निकलने का तरीका है ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है, इसका ये बहुत ये ब्रेकेज होता है, इसलिए हमको जोड़ना पड़ता है। और जो सिल्क निकलने का तरीका है उसका जो अंदर जो प्यूपा है उसको हम नहीं मारते हैं, ठीक है, उसको निकाल के फिर उसको हम लोग ये जो कोकोन है उसको हम लोग केक बनाते हैं, केक जैसे बनाएंगे, फिर उसको हम लोग यहाँ से फिर थ्रेड निकलेगा, पूरा नेचुरल निकलेगा यहाँ से जो एरी का होता है, एरी, हाँ, ये आपका रेड वेराइटी है, व्हाइट वेराइटी भी होता है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाउ हम लोग जो एरी सिल्क जो बनाते हैं इससे बनता है। इफ यू गाइस लाइक माय वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, एंड आई विल बी बैक विद मोर वीडियोस। बाय, ओ माय बाय, बना मैं से बाय बाय, से बाय बाय, बाय। तो ये भी आ गए मेरे सिस्टर, से हाय मामा। हाय, कैसा रहा स्कूल? अच्छा रहा। ओके ओके, चलो 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 जाओ चेंज करो, खाना खाएंगे फिर।